नमस्कार, विभिन्न दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मशहूर शायर निदा फाजली का निधन। हिंदी उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का सोमवार को दोपहर 11:30 बजे वर्सोवा स्थित अपने ही घर में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। 12 अक्टूबर 1938 में ग्वालियर में जन्मे फाजली साहित्य और गजल के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम रहे हैं। उनकी लिखी शायरी को महान गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। संयोग देखिए कि आज ही का वह दिन था जब जगजीत सिंह का जन्म हुआ था और आज ही के दिन निदा फाजली साहब भी दुनिया से कूच कर गए। उनका पूरा नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली था। प्रगतिशील आंदोलन और जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहने वाले निदा फाजली को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हार्दिक पटेल ने कहा, आंदोलन जारी रखूंगा। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो भी वे आंदोलन जारी रखेंगे। देशद्रोह के एक मामले में शनिवार को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए उन्हें यहां लाया गया। अहमदाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के बाद हार्दिक को सूरत के लाजपुर जेल में रखा गया था। यहां साबरमती केंद्रीय जेल भेजे जाने के पहले मीडिया से बात करते हुए हार्दिक ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास जताया और कहा कि वह जमानत लेने की कोशिश करेंगे। अलेप्पो की लड़ाई में 65,000 लोग शरणार्थी बने। सीरिया के अलेप्पो के आसपास सीरिया की सेना के विमानों की बमबारी से 65,000 लोग अपना घर छोड़कर भाग गए और वह तुर्की के सीमावर्ती किलिस क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु तुर्की इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। तुर्की ने अपनी सीमाएं सील की हुई हैं और वह यूरोपीय संघ के नेताओं की अपील के बावजूद शरणार्थियों के प्रवेश के लिए अपनी सीमा खोल नहीं रहा है। तुर्की में पहले से ही 25 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं जो अस्थायी शिविरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए राहत कर्मी सीरिया की सीमा पर शरणार्थियों के लिए तंबू लगा रहे हैं और उन्हें आवश्यक सामग्री वितरित कर रहे हैं। जाट आरक्षण मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने जाट आरक्षण खत्म किए जाने के मद्देनजर बैंक की नौकरी से निकाले गए अभ्यर्थियों की याचिका पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। अर्जी में अभ्यर्थियों ने कहा कि जाट आरक्षण के रद्द करने के फैसले के पहले ही उनकी नियुक्ति की गई थी, जबकि शीर्ष अदालत ने 17 मार्च 2015 को केंद्रीय सूची से जाट आरक्षण खत्म किया था। अभ्यर्थियों की नियुक्ति 12 मार्च 2015 को हो गई थी। सोमवती मौनी अमावस्या के संयोग पर करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देश भर में सोमवार को सोमवती और मौनी अमावस्या के अद्भुत संयोग के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ओंकारेश्वर, इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर समेत देश भर की नदियों के किनारे स्थित घाटों पर आज भोर से ही स्नानार्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया और दान पुण्य कर परिवार की सुख शांति की कामना की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।